नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों नमस्कार। देखिए, रीट परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की मीटिंग होने जा रही है और मैं आपको बता दूं कि रीट को कैंसिल करने के लिए और रीट को करवाने के लिए 26 सितंबर को अभ्यर्थियों के बीच दो गुट बन गए। इन दो गुट को लेकर विभाग भी असमंजस में है कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए, आगे मैं आपको पूरी खबर बताने वाला हूं कि रीट की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग की बैठक 3 सितंबर को होगी। रीट परीक्षा को स्थगित करने और 26 सितंबर को ही आयोजित करने को लेकर अभ्यर्थियों के बीच जो विवाद चल रहा है, शिक्षा विभाग की ओर से 3 सितंबर को रीट की तैयारी बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित इस बैठक में रीट की परीक्षा केंद्रों पर विचार किया जाएगा। सफलतापूर्वक आयोजन कैसे कराया जाए, इस पर भी पूरी बातचीत होगी। और उधर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ के प्रतिनिधि मंडल ने रीट को 26 सितंबर को आयोजित कराने के लिए कहा है। उनकी मांग है कि 26 सितंबर को आयोजित करें। उन्होंने शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री और देखिए यहाँ पर ऊर्जा मंत्री, इन सब से मुलाकात करके उन्होंने ये कहा है कि रीट 26 सितंबर को ही होना चाहिए। लेकिन एक गुट अभ्यर्थियों का ये कह रहा है कि रीट को 2 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो देखना यह है कि देखिए, परीक्षाएं आपस में टकरा रही थी, वो स्थिति अलग थी, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि आपको बताएं, सितंबर और अक्टूबर परीक्षाओं का महीना है। इन 2 महीनों में सारी परीक्षाएं जिनकी तारीखें आपके सामने आ चुकी हैं, उनको कराना सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में इन सब चीजों को लेकर कोई असमंजस की स्थिति है। किस कारण से क्या दिक्कत आ रही है, तो इस पर पूरा विचार विमर्श किया जाना है। 3 सितंबर को ये मीटिंग होगी। मीटिंग की सफलता के बाद ये कहा जा सकता है कि क्या निर्णय निकल कर आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।